दीप दीप के भूपत नाना, अनेकों दीपों के राजा महाराजा। लेकिन काऊ की हिम्मत, काऊ की इतनी शक्ति नहीं कि उन्हें उठाना तोड़ना तो दूर, हिला भी सके। किसी की हिम्मत नहीं। जब सब राजा हताश हो के बैठ गए, तब जनक जी महाराज को बड़ा दुख हुआ। जनक जी महाराज खड़े हुए, हाथ जोड़ करके बोले कि भैया बड़े दुख की बात है। वीर विहीन मही में जा, मैं लखन जी पर कैमरा लगवा देता, क्योंकि लखन जी के होठ बड़बड़ाने लगे और शरीर झंझनाने लगा, कपकपाने लगा। काहे के लिए? ऐसे ही नहीं, मां के लखन कुटिल भई भौहे, कुटिल भई
होट रद पट पर कत नयन इस धनुष की बात करते हो, ये धनुष तो क्या, अरे मैं इस पूरी धरती को और ऐसे उठा लूंगा जैसे गेंद, और गेंद को उठा करके जो जन सत प्रमाण ले धावं, जो जन सत प्रमाण ले धावं, कंदुक कंदुक माने गेंद, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावं, और जितने तुम सब सबे जा लेके ऐसे फोड़ दूंगा जैसे कच्चा मिट्टी का घड़ा कांचे घटजे में डालूं होरी। ये धनुष, धनुष की बात करते हो, इतनो कहका है कि भैया दे, बोले भैया जो तुम्हारे अनुशासन पावो इतना मैं तब करूंगा जब तुम्हारी आज्ञा, इतनो तो बिना आज्ञा के कह गए, इतनो तो बिना आज्ञा के है, आज्ञा तो अब ले रहे। पूरी सभा कांपने लगी, राजा बोले क्या हो रहा है, बोले धरती पलट रही है, बोले हम तो पहली करे घर चलो, अब मरेंगे जा धरती पलट रही है, तू कह रो भाई मैं सुनी तो होती पर ध्यान ना दे मैंने, पर फिर ध्यान आई, बोले गज्जा का बचिया गो, बोले घर में चैनते तो बैठ दे, बोले धरती पलट गई तो घरों का आसमान में, वचन जब बोले लगन सको
राजा निकला उसमें से, वो तुरंत जाकर के अपनी कुर्सी के पीछे छुप गया। बोले भैया मोह बचाइयो, भैया मेरे तो बालक बच्चे हैं, भैया मोह शादी वादी ना करनी, ना धनुष तोड़ना, ना कछु करना, मैं तो वैसे ऐसे ही ठीक हूं। पीछे छुप गया। मान के इधर का तो कांप रहा, इधर के देखूं तो इधर को देखो तो बेहूर है। शेष नाग है कोई, ऐसा वैसा नहीं है, टच्चा मच्चा नहीं है, है? आज भी उसके वंश का एक छोटा सा कीड़ा निकल आए है तो आदमी के कपड़े गीले हो जाते हैं, है? वो जब दहाड़ेगा मित्री की तरफ। बोले महाराज या श्याप है या नाग देवता है, रोको, आप ही रोक सकते हो। और कोई कहता तो कोई बात नहीं, लेकिन जनक एक तरफ तू ज्ञानी बनता है और एक तरफ तू ये नहीं जानता या दुनिया का मालिक बैठा हुआ है, संसार का मालिक बैठा हुआ है। आ? जनक कही जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। अरे कोई और कहता अलग बात थी, जनक विश्वामित्र जी महाराज ने जनक की हालत देखी, बोले मामला गड़बड़ हो जाएगा, तुरंत राम जी से कहा संभालो। और जैसे ही राम जी ने किनारे से ताली बजाई, लगन जी ने देखा, बोले क्या बात है, इस समय मैं आप ही में नहीं हूं, क्या बात है, बोलो बोलो, धरती उठाऊं? राम जी ने कहा धरती में तो उठाओ। बोले धरती तो मुझे मजबूरी में उठानी पड़ रही है। बोले क्यों? बोले क्योंकि तुम नहीं उठ रहे हो, तुम उठ जाओ तो मुझे धरती उठाने की जरूरत नहीं है। राम जी ने कहा उठ गए भैया, उठ गए, बस बस बहुत है, है? बोले तुम दोनों में से एक तो उठेगा, या तुम उठ जाओ नहीं धरती उठ रही है। बोले ना ना भैया, हम उठ रहे हैं।
पहले ही कह देता। बोले उठ रहे हो? बोले हाँ। बोले ठीक है, तो हम बैठ रहे हैं, ना धरती उठेगी ना कोई और उठाएगा जन्म में दे, केवल आप उठोगे। तब जैसे तैसे जैसे तैसे जैसे तैसे जैसे तैसे शांत हुए। सब जिंदे तो है ना? बस ठीक है। तो क्योंकि लखन के सामने जिंदा रहना है। चुपचाप जाकर के जैसे लक्ष्मण जी राम जी के पीछे खड़े भए, जनता के जो प्राण थे जो अटके थे यहाँ गले में, यहाँ आ गए ऊपर निकरवे वारे आता है, सोई वापस लौट आए, जान बची और लाखों पाए। एक जनो बोले जल्दी निकल लियो, दोबारा कोई गड़बड़ भई तो अब के बचवे बारे अधमरे तो है ही गए। हाँ, एकदम सभा में सन्नाटा छा गया। जो जितने लवर लवर कर रहे, बड़र बड़र कर रहे ना, जितने छाती ठोकरे गाए, सब छम हो गए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि या तो बोलते नहीं है, और जब वो बोलते हैं तो फिर कोई बोलता नहीं है। और कछु लोग ऐसे हैं कि बड़र ही बड़र करते हैं, मैंने चुप कर तो बड़र ही बड़र करते हैं। ज्यादा बोलने से वाणी की ताकत, वाणी की शक्ति खत्म हो जाती है। विश्वामित्र जी ने कहा, राम तुमने जो शांत कर लो नहीं जाऊं, एक हाथ तो एम्बुलेंस बुलानी पड़ती। बढ़िया किया। विश्वामित्र जी ने लखन की ओर, बोले इतना गुस्सा? बोले जनक। बोले बस बस बस। राम जी बोले छेड़ो मत, नहीं दोबारा फिर कूद पड़ेगा। बोले जनक, और कोई कहता तो कोई बात नहीं, जनक कही जस अनुचित वाणी, उचित नहीं थी। औरों के लिए उचित हो सकती थी, लेकिन जनक के लिए ऐसा कहना उचित नहीं था। अब लक्ष्मण जी राम जी को देखने लगे कि आप तो कह रहे ठाड़े है गए, अभी तो बैठ गई हो, फिर जाऊंगा? बोले ना ना। बोले अब गुरु आज्ञा देंगे तभी तो, तू तो जानता है। हाँ, तो बोले जल्दी ले लो आज्ञा।